नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि हम पक्के आम जो देसी आम होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको सबसे पहले तो हम पानी में धोएंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम कच्चे आमों की सब्जी जो कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये जो आम की सब्जी होती है बहुत अच्छी है, टेस्ट होता है इसका, और ये मीठे आम है। हम इन आमों को क्या करेंगे, अब इनको निचोड़ कर इनका रस और जो इसकी गुठली है उसको तड़का मारेंगे, और तड़का मारने के बाद हम इन आमों को फिर इसकी सब्जी तैयार करेंगे। सब्जी तैयार करने के बाद हम फिर इसको खाएंगे। तो दोस्तों अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट भी जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये आप देख सकते हैं ये देसी आम है। तो अब हम इन आमों को क्या करेंगे, आमों की सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने आम धोने हैं, उसके बाद आपने इनको धीरे धीरे इनका जो छिलका है बाहर निकालना है, वो मैं विधि बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो हम अपने आम धो दिए, ये देखो हमने आम धोया। तो जैसे हमने आम धोया तो आम धोने के बाद हमने क्या करना, थोड़ा इसको दबाना है, ऐसे दबाया ना तो थोड़ा सा जो इसका पानी है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ये जो इसका कहते हैं जो इसका, ये देखो इसको थोड़ा दबा रहा है। इसको दबाएंगे और ऐसे ही इसको निचोड़ देंगे, ऐसे इसका आपस जो छिलका इसका इसका जूस पी सकते हैं, और इनको या तो फिर हमने ऐसे ही कर दिया। फिर हमने और आम लेना है दोस्तों, पक्के आम है, फिर इसको हमने दबाना है, इसको निकालना है सबसे पहले, ये जो ऊपर से होता है, और फिर इसको थोड़ा सा दबाते हैं कि इसी जो इसका डुग होता है, क्योंकि ये जहरीला होता है और इसका जो रस है वो मीठा होता है। ऐसे करेंगे और हम इसको पूरे को, तो आज आप सीख रहे हैं कि हम आमों की दबाना है और इसका रस जो है पूरा निकाल लेना है। तो आज आप सीख रहे हैं कि हम आमों की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आमों की सब्जी बनाना बहुत इजी होता है, पहाड़ों में आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। हम लोग आम खाते हैं मगर आपने आमों की सब्जी नहीं खाई होगी, तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आमों की सब्जी पहाड़ी लोग जो जो क्योंकि अब आम का सीजन है, 2 महीने आम रहेंगे, तो लोग ये सब्जी ज्यादा खाते हैं। और इसमें अगर आप ज्यादा टेस्ट लेना चाहते हो, इसका मजा लेना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, इन आमों को सब्जी बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस आम की दही या लस्सी है तो आप इसमें मिलाकर, दही और लस्सी को गर्म करने की जरूरत नहीं है, आप दही लस्सी इसमें डाल सकते हैं। अगर इसका रस कम है तो थोड़ा पानी डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, और टेस्ट देख लो कि थोड़ा मीठा रहे, ज्यादा खट्टा ना हो। आपने तड़का मारना है, प्याज डालना है इसमें और धनिया डालना है। तो दोस्तों अब हम इसको, इसके बाद आपने एक एक काम करके ये सारा आम निचोड़ देने। छिलका जो है बिल्कुल नहीं रहने देना, छिलका पूरा निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये हमने इतना जूस और इसके छिलके निकालने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको तड़का मारना है। तड़का मारने के बाद हम इसको फिर जब ये पक जाता है उसके बाद हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे कि इसका जो रस ज्यादा हो जाए, और फिर इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे और हमारी सब्जी तैयार। तो दोस्तों तब तक तो वेट करें, अब हम इसको तड़का मारते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो आम है ये इसका हमने रस निकाल लिया है और गुठलियां भी निकाल ली है, छिलका हम नीचे फेंक देते हैं। तो अब हम इसको तड़का मारेंगे, तो सभी ने ध्यान से देखना है तड़का कैसे मारते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि हमेशा अपन सरसों का तेल ही खाएं, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए बीमारी से बचना है तो सरसों का ही तेल खाएं। अगर घर का है तो बहुत अच्छा है, अगर बाहर का है तो भी अच्छा है। और साथ में अब हम इसमें प्याज काटेंगे, थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तड़का का तो आपको पता है कैसे लगाते हैं, तो हमने प्याज और हरी मिर्च काट ली है,
साथ में हमने अब इसको भूनना है। भूनने का अर्थ होता है कि थोड़ा इसमें पानी नहीं डालते जब तक कि ये पूरा पक ना जाए। पकने के बाद हमने इसमें थोड़ा पानी डालना है टेस्ट के साथ, और थोड़ा सा हम चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी से अगर थोड़ा खट्टापन है तो आप ये चीनी से मीठा कर सकते हैं, जिससे आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये बहुत ही नेचुरल है, ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है। आपने शहरों के अंदर देखा, आपने बहुत कम खाई होगी आमों की सब्जी, लोग खाते हैं आम, लोग आम खाते हैं, मगर जो आम चूसने वाले होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, उसमें अगर आप दही मिला लेते हैं पानी की बजाय, अगर दही या लस्सी मिलाते हैं, तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो A1 सब्जी बनती है। तो अब हमारा जो है ये गर्म हो गया, तेल गर्म, अब हम इसमें धनिया डालते हैं, चुटकी भर आपने धनिया डालना। इसके बाद हम डालेंगे हरी प्याज और हरी मिर्च काट कर। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो धनिया है वो पक रहा है, क्योंकि जब धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता हम, जो कि थोड़ा काला सा फिर जाए, तो थोड़ा ब्राउन कलर में हो जाए, तो आपका जो धनिया पक गया है, तो थोड़ा इसको रहने देते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसमें हरी प्याज डालनी है काट कर, और इसमें अब हम हल्दी डालेंगे, तो दोस्तों अब हल्दी डालते हैं। हल्दी आपने देखना है रंग के हिसाब से थोड़ा और डाल देते हैं। तो हल्दी हमने डाल दी, अब हम इसमें नमक डालते हैं टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, ठीक है, नमक बहुत है क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना, मीठा होता है ना ये, तो सब्जी थोड़ी मीठी होती है। इसके बाद अपने इसमें थोड़ा इसको हिलाना है, कि हमारा जो मसाला है बिल्कुल पक जाए। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे आमों की सब्जी बनाई जाती है। आम तो खाएं, मगर आपने आमों की सब्जी नहीं खाई होगी, तो आप इस वीडियो में ये चीज़ जो लाइव देख रहे हैं, अगर किसी को ना पता चले तो वो मुझे कमेंट कर सकता है कि आमों की सब्जी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को क्लियर से स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे बनेगा। तो दोस्तों हमारा जो मसाला पक गया है, इसके बाद ये हमने आमों का जूस और आमों की गुठली इसमें डाल देंगे, तो अब इसको हिलाना है। इसको दोस्तों इस सब्जी को अम्बुआ भी कहते हैं, इसको माणी भी कहते हैं, खट्टा भी कहते हैं। अगर आपने चावल बना रखे हैं तो चावल के लिए बहुत अच्छी सब्जी है, अगर आप चपाती फुलका या मक्के की रोटी के साथ खाते हैं तो ये सब्जी बहुत अच्छी है। दोस्तों जैसे हम ये जो सब्जी है ऑल इन वन सब्जी है, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है बहुत लाजवाब होता है जब भी आप खाओगे। अब इसको आपने क्या भूनना है अच्छी तरह से, जैसे अभी आपने छेड़ दे दी, तो अब हम इसको ढक देंगे। इसको कम से कम आपने 5-7 मिनट ढकना है, अगर ये पानी इसका कम हो गया, रस इसका कम हो गया, तो अब इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर पानी नहीं डालना, अगर दूध और लस्सी, लस्सी है आपके पास, लस्सी और दही, तो आप लस्सी और दही भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ढक देते हैं, ढकने का भाप देते हैं, भाप से ये बन जाए। तो अब हम वेट करेंगे 4 या 5 मिनट। तो दोस्तों आपने देखना है कि थोड़ा इसको हिलाना भी है कि ये आम नीचे ना लग जाए। तो जैसे अभी हमने इसका ढक्कन उतार दिया है, तो अब हम इसको थोड़ा हिला देते हैं, छेड़ दे देते हैं इसको, छोंक ये दे देते हैं, छेड़ देने से अगर इसको आप वैसे बिना अगर पानी डाले भी इसको सब्जी को खाते हैं, तो दोस्तों इस सब्जी का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही देखने में ही बहुत लाजवाब लग रही है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लोगों को पता नहीं है कि ऐसे भी सब्जी बनाई जाती है। तो आपने देखा ये कि सब्जी कैसे बन रही है। इसके बाद हम इसको थोड़ा ढक देते हैं, अभी
दो ही मिनट हुए थे, थोड़ा 2 मिनट और रखेंगे इसके बाद फिर पानी डालेंगे। तो दोस्तों देखा आमों की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो दोस्तों मैं फिलहाल तो सूखी सब्जी निकाल रहा हूँ, ये सूखी सब्जी है, तो मैं टेस्ट करने के लिए मैं अभी इसमें निकाल रहा हूँ बर्तन में। और ये तो बन गया दोस्तों अम्बुआ। अब इसमें हम माणी बनाएंगे, तो इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम पानी लगा देंगे। तो दोस्तों अब ये बन गया माणी। अगर लस्सी है तो दोस्तों लस्सी से ये सब्जी बड़ी जबरदस्त हो जाती है। अब इसको हम 5 मिनट उबालेंगे इसको, और हमारी सब्जी तैयार। और अगर ये खट्टा ज्यादा खट्टी होती है तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने थोड़ी चीनी डाल देनी है और थोड़ा हल्दी डालना है। हल्दी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा हल्दी डाल दो। तो दोस्तों ऐसे हमारी सब्जी ये बनकर अब तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने आज सीखा कि हम अम्बुआ कैसे बनाते हैं और माणी कैसे बनाते हैं, खट्टा कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये हिमाचल की बहुत ही फेवरेट डिश है जो मैंने आज आपको बताई है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।